हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस के स्टडी चैनल। तो आज मैं अपना नया वीडियो लेके आया हूँ परसेंटेज का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मैंने लास्ट वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन तक कराया था, तो आज मैं उसके आगे से कराऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए देख रहे हैं प्लीज़ वो भी कर लें, शेयर कर लें मेरे चैनल को, और घंटे के बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी नया मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जैसा गाइस आपको पता है कि मैं परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, फिर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कराऊंगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहें, सपोर्ट करें मेरे चैनल को, ठीक है। और एक और बात गाइस, जो लोग मेरे मतलब आरएस अग्रवाल बुक फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको बस इतना बोलूँगा गाइस, अगर आप मेरे चैनल से पढ़ते हैं तो आपको कोई भी कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। आप मेरे चैनल पढ़ के, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, बस एक सीजीएल को ही छोड़ के मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप स्टेट लेवल का, एफसीआई रेलवे का, ठीक है, या एसएससी का सीजीएल छोड़ के, ठीक है, क्योंकि सीजीएल का पैटर्न अभी चेंज हो गया है, थोड़ा टफ हो गया है, ठीक है। तो मैं सीजीएल लेवल का भी क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन आरएस अग्रवाल पहले कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा गाइस, आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। आप कोई भी कोचिंग में जाते हैं तो लाख लाख रुपए लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप वेस्ट बंगाल में अगर राइस में पढ़ते हैं तो वहाँ 1.5 लाख रुपए लेते हैं, और भी बहुत सारे कोचिंग हैं। दिल्ली में जाते हैं तो वहाँ पे 15,000-20,000 इस तरह के लेते हैं, और भी अलग, इलाहाबाद में जाएंगे तो और भी अलग 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 जगह में अलग अलग फीस है, ठीक है। तो और वहाँ का रहने का खर्चा अलग, ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल से पढ़े, ठीक है। मेरे चैनल से पढ़ोगे तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतना ही बोलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, और जो भी नए देख रहे हैं वो भी सब्सक्राइब करें। और हाँ, दूसरे लोगों को अवेयर करें मेरे चैनल के बारे में, ठीक है, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो नए क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का 101 क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन। ओके गाइस, 101 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 10% ऑफ द इलेक्टोर डिड नॉट कास्ट देयर वोट इन द इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स। बोल रहा है 10% जो इलेक्टोर थे, मतलब लोग जो थे, 10% लोग, उन्होंने अपना वोट नहीं डाला जो कि दो लोगों के बीच में इलेक्शन था, ठीक है। 10% ऑफ द वोट्स पोल्ड वेयर फाउंड इनवैलिड। और बोल रहा है कि जितने भी वोट डाले गए उसमें से 10% जो वोट था वो इनवैलिड हो गए, ठीक है। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 54% ऑफ द वैलिड वोट। बोल रहा है कि जो जीता कैंडिडेट, जो जीता वो 54% ऑफ द वैलिड वोट से जीता, मतलब जितने भी वैलिड वोट थे उसके 54% से वो जीता। और वॉन बाय अ मेजोरिटी ऑफ 1,620 वो, और कितने वोट से वो जीता, 1,620 वोट से जीता। द नंबर ऑफ वोट्स एनरोल्ड ऑन द वोटर लिस्ट वॉज, बोल रहा है कि टोटल कितने मतलब लोग थे जो एनरोल्ड हुए थे वोटर लिस्ट में, ठीक है। तो करके दिखाता हूँ गाइस, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो गाइस टोटल वोट्स को मैं एक्स लेता हूँ, ठीक है। तो टोटल एक्स इंटू, अभी उसमें क्या बोला था, 10% जो वोटर्स थे मतलब इलेक्टोर थे उन्होंने अपना वोट ही नहीं डाला। अगर 10% अगर नहीं डालेंगे तो टोटल कितने परसेंट डालेंगे, अगर 100 में से 10 हट गया तो 90%, ठीक है। तो 90/100, ठीक है, इंटू, अब बोल रहा है कि 10% जो वैलिड वोट मतलब 10% जो था वोट वो इनवैलिड हो गया, ठीक है। तो इनवैलिड हो गया तो कितना, 90 होगा, 10% अगर वैलिड हो गया तो 90% वैलिड हो गया, ठीक है। ओके गाइस, अभी क्या बोल रहा है कि 54% जो है, ठीक है, वैलिड वोट मिला सक्सेसफुल कैंडिडेट को। अगर 100% टोटल होगा, अगर एक कैंडिडेट को 54% मिलेगा, ठीक है, तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिलेगा, 46, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 8, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है जो मेजोरिटी मतलब 1,620 वोट से जीता, ठीक है। तो ये 1,020 वोट जो है वो किसके बराबर है, 8% के बराबर, तो इक्वल टू हम लोग यहाँ पे 8% लिखेंगे, ठीक है, 8/100, ठीक है। तो गाइस अब इसको क्या करेंगे, सॉरी मैंने यहाँ पे आपको रफ करके दिखा दिया, ठीक है, ये समझाने के लिए दिखाया कि ये 8% कहाँ से आया, ठीक है। मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ, एक्स इंटू 90/100, ठीक है, और 90/100 इंटू 8/100, ठीक है, इक्वल टू कितना, 1,620, ठीक है, क्योंकि ये इतने वोट से वो जीता, ठीक है। अभी हम एक्स को इधर लेके आते हैं, नंबर को इधर लेके जाते हैं, तो कितना होगा, 1,620 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है, डिवाइडेड बाई 90 × 90 × 8, ठीक है गाइज। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 25,000, ठीक है। तो गाइज करके देख लेना, मैं कर चुका हूँ, तो ऑप्शन में देखते हैं 25,000 दिया है कि नहीं,
तो गाइज ऑप्शन में 25,000 दिया है, ठीक है। तो गाइज इस क्वेश्चन को समझाने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से तो आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको सिर्फ 10 से 15 20 सेकंड लगेंगे करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट द कैंडिडेट हु गॉट 30% ऑफ द वोट पोल इज डिफेक्टेड इज डिफिटेड बाई 16,000 वोट। बोल रहा है कि दो जन के बीच में इलेक्शन हुआ, ठीक है, जिस कैंडिडेट को 30% वोट मिला, ठीक है, वो 16,000 वोट से हार गया। तो बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने गिरे थे, तो हमको वो निकालना है, ठीक है। बहुत ईजी है, करके दिखाता हूँ। तो गाइस कैसे करेंगे, ठीक है, बोल रहा है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 30% जो वोट मिला है, ठीक है, तो अगर 100 है, 100 में से अगर जो 30% जो हारा है, ठीक है, वो उसको 30% मिला है, तो बाकी रिमेनिंग कितना हुआ, 70, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 30 - 70 = 40, ठीक है। अभी बोल रहा है कि वो जो हारा है वो कितने वोट से हारा है, ठीक है, 16,000 वोट से हारा है, तो जो 16,000 है वो किसके बराबर है, 40% के बराबर। अगर 40% के बराबर 16,000 है तो 1% के बराबर कितना होगा, ठीक है, 16,000 / 40, और 100% के बराबर कितना होगा, ठीक है, 16,000 / 40 × 100, ठीक है, तो इसको काट देंगे तो कितना आएगा, 40,000 आएगा गाइस, ओके। तो ऑप्शन में देखते हैं दिया हुआ है कि नहीं, तो गाइस ऑप्शन में 40,000 दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थ्री कैंडिडेट इन एन इलेक्शन रिसीव 1,136 वोट, 7,636 वोट, 11,628 वोट्स रिस्पेक्टिवली। बोला है कि थ्री कैंडिडेट इलेक्शन में उसको इतना इतना और इतना वोट्स मिला। बोला है व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल वोट डिड द विनिंग कैंडिडेट गेट, बोला कि कितना परसेंट जो है टोटल वोट में से कितना परसेंट जो जीता है उसको मिला है, तो उसका परसेंटेज निकालना है। तो गाइस सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, करके दिखाता हूँ। करना क्या है गाइस, तीनों को प्लस करना है, टोटल निकल आएगा, डिवाइड, फिर उसको क्या करेंगे, ये मतलब जो हाईएस्ट जिसको मिला, जिसने जीता, मतलब यही जीता, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो वोट इसी को मिला, 11,628, तो ये बाय टोटल जो होगा इनटू 100 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस पहले क्या करेंगे, टोटल वोट्स निकाल लेंगे, ठीक है, तीनों को प्लस कर लेंगे, तो तीनों को प्लस करके इतना आता है। अभी परसेंटेज बोला है तो विनिंग कैंडिडेट को कितना मिलता है, 1,628 / 20400 × 100, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 57, ठीक है। ऑप्शन में देखते हैं 57 दिया है कि नहीं, तो गाइज ऑप्शन में 57 दिया हो नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, नॉन ऑफ दीज होगा, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिसिएट एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर। बोल रहा है कि जो वैल्यू है मशीन का वो 10% हर साल घट रहा है, ठीक है, इट वॉज परचेस्ड 3 years अगो, ठीक है, जब उसको खरीदा था 3 साल पहले, ठीक है, इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 8,748, अभी उसका जो प्रेजेंट वैल्यू है वो उसका 8,748 है, इट्स परचेस प्राइस वाज, जब इसको खरीदा था, ठीक है, तब उस कितने में खरीदा था, ठीक है। तो गाइज इस बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आपको सर गाइज इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है, ठीक है, ठीक है, 3 साल पहले उसका कितना प्राइस था, या चार मतलब फ्यूचर में उसका कितना होगा, 3 साल बाद कितना होगा, ठीक है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना गाइज, उसके मैं आपको फॉर्मूले लिखा देता हूँ, ठीक है, बस वो फॉर्मूले पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ओके। तो गाइज फॉर्मूला क्या है, अगर किसी भी चीज़ का बिफोर पूछेगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका प्रेजेंट वैल्यू इनटू 100 / 100 ± 60, ठीक है, मतलब क्या, जो रेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है तो प्लस करेंगे, अगर रेट डिक्रीज़ हो रहा है तो माइनस करेंगे 100 में से, ठीक है, इनटू 100 / 100 ± 60 इनटू 100 / 100 ± 60, ठीक है। अगर 3 साल दिया होगा तो हम 3 बार इस तरह करेंगे, अगर 2 साल दिया होगा तो 2 बार करेंगे, अगर सिर्फ एक ही साल दिया होगा तो एक ही बार करेंगे, मतलब जितने साल दिया होगा उतना करेंगे। तो ये बिफोर के केस में, मतलब अगो वाला, ठीक है, और आफ्टर मतलब फ्यूचर में जो कितना हो जाएगा वैल्यू, किसी भी चीज़ का वैल्यू कितना हो जाएगा, चाहे वो पॉपुलेशन हो या किसी भी चीज़ का प्राइस हो, ठीक है। तो प्रेजेंट इनटू 100 + ± r/100, ठीक है, इनटू 100 + ± r/100, ठीक है, इनटू 100 + ± r/100, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है गाइस, बस इसमें हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो प्रेजेंट क्वेश्चन था वो बिफोर पूछा था, ठीक है, इसमें बिफोर वाला, तो इसमें क्या करेंगे, बस हम लोग क्या करेंगे, बस नंबर्स को पुट कर देंगे, 8 7 4 8, ठीक है, इनटू
हंड्रेड क्या हो रहा है, ये घट रहा है, मतलब 10% डिप्रिसिएट हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। तो 90 इंटू 100 बाई 90, ठीक है। तो यहाँ से 3 जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से गाइस 12,000 आंसर आता है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा गाइस करके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस ऑप्शन में 12,000 दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ प्लांट डिप्रिशिएट बाई 10%। बोल रहा है कि जो प्लांट का जो वैल्यू है, ठीक है, वो 10% घट गया, ठीक है, एनुअली हर साल। इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्लांट, बोला है जो प्रेजेंट वैल्यू है प्लांट का वो 1 लाख है, देन व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। बोला है आफ्टर 2 ईयर्स कितना होगा, ठीक है। बस आफ्टर में ये आफ्टर वाला जो फॉर्मूला उसमें ये पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो करके दिखाता हूँ गाइस। गाइस इसको मैं यहीं पे नीचे करके दिखा देता हूँ, ठीक है, सॉरी मैं आपको अलग से ही दिखाता हूँ। तो गाइस फार्मूला ये है, ठीक है, इसमें हम लोग बस पुट कर देंगे। प्रेजेंट वैल्यू कितना दिया, 1 लाख, 1 लाख लिखते हैं, ठीक है। इनटू क्या हो रहा है, 10% डिप्रिशिएट हो रहा है, तो 90 बाई 100, ठीक है, इनटू 90 बाई 100, ठीक है, इनटू सॉरी 2 ईयर्स बोला है, ठीक है। बोला आफ्टर 2 ईयर्स कितना होगा, तो बस इसको काट दो, 2 जीरो कट गया इधर से, ठीक है, इधर से 2 जीरो कर गया। अब इसको करेंगे तो 81,000 आएगा, ठीक है। ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि, तो गाइज ऑप्शन में 81,000 दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, तो गाइज 106 क्वेश्चन जो है इसको ध्यान से समझना, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन किसी एग्जाम में तो आता नहीं है, लेकिन सीजीएल की मेंस के एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। और मतलब 90% लोग, ठीक है, गलत करके आएंगे, ठीक है। उन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की होगी तो वो गलत पक्का करके आएंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना, क्या बोल रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इंक्रीज एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। बोल रहा है जो एक सिटी है उसका पॉपुलेशन हर साल 4% पर करके बढ़ रहा है, ठीक है। देयर इज ए एडिशनल एनुअल इंक्रीज, बोल रहा है एडिशनल एनुअल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, 1% का, ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ जॉब सीकर। जो जॉब सीकर है वो क्या कर रहे हैं, उस सिटी में आ जा रहे हैं, इसके कारण क्या हो रहा है, 1% और ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, द परसेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स, बोल रहा है 2 साल बाद कितना परसेंट बढ़ेगा। तो आप गाइस मुझे ये बताओ, पहले 4% करके बढ़ रहा था, अभी क्या 1% और बढ़ा, तो टोटल कितना हुआ, 5% हुआ, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करेंगे कि पहले 4% करके निकाल लेंगे, फिर 1% करके निकाल लेंगे, तो गाइस ये गलत है, ठीक है। टोटल मिला के 5% हुआ, ठीक है। अभी 5% करके बस क्या करना है, हमको आफ्टर के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। करके दिखाता हूँ गाइस। तो गाइस कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन में तो पॉपुलेशन दिया नहीं है, तो हम लोग लेट पॉपुलेशन 100 लेते हैं, ठीक है। अभी आफ्टर बोला है तो 100 इंटू अभी 5% करके बढ़ रहा है 2 साल, तो हम लोग 2 बार क्या करेंगे, 105 बाई 100, ठीक है। अब इसको काट देंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 110.25, ठीक है। तो 25 आया। अभी गाइस क्या बोला है, अभी क्वेश्चन में बोला है कितना परसेंट करके बढ़ रहा है, ठीक है, पॉपुलेशन परसेंट में पूछा है, तो ये बोला 110.25, ठीक है। अगर 100% अगर मान लो कोई वैल्यू है उसका 100% है, ठीक है, अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 10.25%, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब तो ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं, तो गाइज ऑप्शन में 10.25% दिया है। नेक्स्ट क्या बोला है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वाज 1,60,000 3 ईयर्स अगो। बोल रहा है कि एक पॉपुलेशन का जो टाउन था 1,60,000 था 3 साल पहले। इफ इट इज इंक्रीज बाय 3%, 2.5%, 5% रिस्पेक्टिवली इन द लास्ट 3 ईयर्स। बोला है कि लास्ट 3 ईयर में 3%, 2.5% और 5% करके बढ़ रहा है, देन द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या होगा। तो सेम गाइज इसी मेथड में इसको करना है, तो करके दिखाता हूँ गाइज। तो गाइज बिफोर दिया है, पॉपुलेशन बिफोर का दिया हुआ है, ठीक है, 3 साल पहले का थी है, ठीक है। तो लेकिन अभी प्रेजेंट तो नहीं दिया है, बोल रहा है कि क्वेश्चन में कि 3 साल जो पॉपुलेशन था वो 1,60,000 था, तो 3 साल पहले में हम लोग इधर पुट कर देंगे, 1,60,000 पुट कर देंगे। प्रेजेंट वैल्यू कुछ नहीं दिया, तो हम लोग इधर एक्स लिखेंगे इनटू, ठीक है। अभी ये क्या बोल रहा है कि कितना कर करके बढ़ रहा है, बस इधर पे हम लोग क्या करेंगे, उतना करके बढ़ा देंगे, ठीक है, इनटू 100 बाई कितना, 102.5, ठीक है, इनटू 100 बाई 105, ठीक है। अभी एक्स को इधर नंबर को इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1,60,000, ठीक है, इनटू 103 बाई 100, इनटू 102.5 बाई 100, इनटू 100 बाई सॉरी
105 बाय 100, ठीक है। तो गाइज इसको सॉल्व करने से हमारा आंसर, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 177366, ओके। तो आप इसको सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। तो इतने ही ऑप्शन आएगा, इतने ही आंसर आएगा, ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं।